भीमचक 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 क्या बात है, काचों को पास एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा होता है क्या? हे गाइस नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केन चौदा। तो चेक करके कि क्या इवेंट आइटम्स आ रहे हैं रेड पे कि नहीं। यार ये सारे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे पोकेमोन, मतलब 5-6 पोकेमोन होंगे जिसके लिए भाई सिर्फ इवोल्यूशन स्टोन्स चाहिए थोड़े थोड़े, जो सारे का सारे R2 हो जाएंगे। लेकिन यार मैं गेम ही नहीं खेल रहा हूँ जो इवोल्यूशन स्टोन्स कलेक्ट कर करके इन सबको मैं R2 बनाऊँ। चलो कोई बात नहीं, पहले तो यार देखते हैं कि इवेंट आइटम आ रहे हैं कि नहीं, किस पे चेक करें यार। हाँ गेंगार कार्ड बहुत लकी कार्ड होता है, वन ऑफ द लकीस्ट कार्ड है भाई गेंगार। नहीं नहीं आएगा गाइस, मतलब आज लास्ट डे ऑफ इवेंट है, तुम्हारे पास जो भी इवेंट आइटम थे ना सारे खर्च कर दो तो बेटर होएगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यार इवेंट चला जाएगा। और वैसे भी पालकिया एंड ग्रोडम वाला इवेंट बहुत कम आता है भाई, फायर डाकराई वाला इवेंट जो है वो अभी तक नहीं आया हुआ है, वो बुरा लगा मुझे भी। फायर डाकराई वाला इवेंट बहुत लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है जो कि अभी तक नहीं आया। ऑलराइट मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसे पोकेमोन थे जो मुझे ब्रेकअप भी करना था गाइस। इस अकाउंट के भाई बहुत ऐसे फैटर्स हैं जो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करे हैं, वो कर लूँ तो यार बहुत फायदा हो जाए मुझे यहाँ के। नहीं हाँ यहाँ ये लेजेंडरी फ्रेंडशिप वाले ये रहा, 5-स्टार करना था इन दोनों को मुझे। R2 वाले थे ना ये, तो R2 वाले हो गए मैं। और कहाँ गए, कहाँ गया, ऑरेंज वाला किसको कर रहा था मैं, अच्छा ये रहा डिफेंस वाला कर रहा था, मेगा एंटी को कर रहा था मैं ब्रीड। ये इससे भी कर लेते हैं, इवेंट आइटम आ ही नहीं भाई, पूरा चेक कर लिया मैंने, कुछ नहीं है कुछ नहीं है गाइस कुछ नहीं है। डूड बहुत दिनों से यार पोकेमोन कैच नहीं करा हम लोगों ने, है ना, तो एक काम करते हैं आज इस अकाउंट में ना पोकेमोन कैच करते हैं। तो मुझे ना जो पोकेमोन कैच करना है वो डियाल ये स्नोलैक्स पकड़ लो ना। अगर देखो कितने स्नोलैक्स है यहाँ पे, 9 स्नोलैक्स है। अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ ठीक है स्नोलैक्स को पकड़ना, तो मेरे पास कितने स्टोनलेस हो सकते हैं जिससे मैं R2 बना लूँ अपना स्टोनलेस का पूरा एकदम आर्मी बना लूँ। लेक्सी कहाँ गया शेप में मैं पहले कर लेता हूँ, और कहाँ गया स्टोनलेक्स रहा। तो 1, 2, 3, 4 स्नोलेक्स ऑलरेडी है, हमें लगते हैं टोटल 7 मेगा पोकेमोन्स R2 बनाने के लिए। तो अभी मेरे पास 4 है, 4 नहीं है भाई और होंगे, रुको शायद से मेरे पास 5 मेगा स्टोनलेक्स थे। अवेकन में जाने से समझ में आ जाएगा, या एक ही दिखा रहा है मतलब बाकी सारे, हाँ मतलब 4 ही है भाई 4 ही है। तो अच्छा चलो 4 है और यहाँ 9 है, चल 10 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे देख लेते कितने पोकेमोन्स है, सॉरी शैड्स है पोकेमोन्स के मेरे पास, SR के SR पोकेमोन्स के शैड्स कहाँ गए हैं। नहीं ये तो स्नोलैक्स और इसके शेड्स ज्यादा नहीं है भाई, ये डाकराई का भी मैं यहाँ पे नहीं, नहीं ये SSR के शेड्स है ज्यादा, मेगा के भी है लेकिन उसके नहीं। इसका मतलब चलो मान ले 9 ही है मेरे पास स्नोलैक्स, ठीक है मैं लेजेंडरी स्टोर से बाई कर लूंगा, वहां भी तो अवेलेबल मेरे पास बहुत सारे। कहाँ गया, हाँ अच्छा बाई करके भी मेरे पास कितने होंगे, 2 स्नोलैक्स होंगे मेगा, दैट मीन्स एक और मेगा स्नोलैक्स बच जाएगा भाई साहब। तो ठीक है उसके लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय कर लूंगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। जैसे कि मेरा ये क्योगर, इसके लिए बस मुझे सिर्फ एक और मेगा चाहिए, तो मैं और एक क्योगर बना सकता हूँ R2 जिससे मैं अवेकन भी कर सकता हूँ। यार देख लो भाई मेगा मेगा और भी बहुत सारे हैं, तो इसे ही पकड़ने का कोई मुद्दा नहीं बनता ठीक है। हेक्सरोस R2 बना सकता हूँ लेकिन गाइस उसके लिए पता है और कहाँ गया ये यहाँ पे यहीं कहीं पे था मेरा गोड्रा, ये रहा गोड्रा 1, 2, 3, 4, 5 5 मेगा गोड्रा है गाइस, और 2 मुझे मेगा गोड्रा चाहिए जिससे मैं इसे R2 बना सकता हूँ। तो ये कितना मुश्किल नहीं होगा समझ रहे हो, कर लूंगा यार बाद में, अभी मन नहीं कर रहा इसे बनाने का, मतलब वैसा भी स्क्रूट में है नहीं तो फिर क्या फायदा बना गया है ना। चलो तो रोटेशन कर लेंगे, आई मीन टू से रोटेशन का मतलब एक एक पोकेमोन पे सब पे रेड करेंगे, और जिस भी पोकेमोन मिल गया वो तो सही है, नहीं भी मिला फिर वापस उस पोकेमोन। तो ये रहा 141 है भाई मेरे पास, बाप रे बाप यार यहाँ पे रीड मारता रहूंगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मुझे। चलो और एक बार मार लेते हैं, आ जाए कहीं नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं है चलो चलते हैं।
दूसरे पोकेमोन की तरफ गाचोम भी यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है, दूसरे अकाउंट में था गाचोम, मैंने गायब ही कर दिया पकड़ पकड़ के। ऑफ कोर्स वहाँ पे काम दाम नहीं था कैसे। हाँ याद आया, मेरे इस अकाउंट में गाचोम पार्ट टू भी है, मैंने उसे रिसेट कर दिया था, इसलिए रिसेट किया क्योंकि मुझे अवेकन स्टोन्स की जरूरत थी। मैं देखता हूँ, रुक जाओ अभी अभी देख लेता हूँ गाचोम मेरे पास कितने थे। ओ भाई याद आया, मैंने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना सारे गाचोम का बैंड बजा दिया था। वेट वेट, ये रहा गाचोम, लेट्स सी कितने गाचोम थे मेरे पास। हाँ याद आया, एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मैंने पूरे गाचोम का बैंड बजा दिया। मतलब कि मैं चेक कर रहा था कि अवेकन वन अवेकन टू होने पे कितने। भाई 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 भाई, 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 भाई ये क्या किस्मत, व्हाट अ किस्मत ब्रो, व्हाट अ किस्मत। ढिंचक 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 ढिंचक, क्या बात है। गाचोम का फैस एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा होता है क्या गाइस। चलो ठीक ही है, पहले इसे रिएक्स कर लेते हैं। हाँ अच्छा, पोके बॉल्स में पोके बॉल्स कितने हैं यार। मैं चाहता हूँ कि चलो मास्टर बॉल से पकड़ लेता, अभी और भी मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन्स पकड़ने हैं, सो मास्टर बॉल इज गुड फॉर हेल्थ फॉर देम ऑल राइट। ये रहा म्यूटो आ गया, अभी अपना कैच कर लेते हैं। कूल, ये बहुत इजी था, मतलब गाचोम बहुत इतना ज्यादा गाचोम इजी नहीं हो सकता डूड, तुम्हें पता ही है। अभी लकीली बहुत ज्यादा लकीली मुझे मिल गया, ये पहले सब कलेक्ट भी कर लेता हूँ। और चले चलते दूसरे पोकेमॉन की तरफ जो कि है अपना। अच्छा मैंने ऐसे ऐसे नहीं किया ना, ऐसे रोटेट करना चाहिए था मुझे, हाउल सिटी से लेके काले बे ज्यादा चाहिए था, तो एंटी का बस चल जाता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर भाई बिलीव नहीं हो रहा, वैसे भी मैं ज्यादा रेड नहीं करता, मैंने कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में तुम्हें बता रखा हुआ है कि ज्यादा रेड करने से फर्क नहीं पड़ता किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को। तुम्हें पकड़ना है तो उसे अदर टाइम्स में आके पकड़ना पड़ता है, और बार बार आके पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी घंटा नहीं पकड़ने वाला पकड़ तो। अब तो भाई धराना ही धराना है, ये इजी हो जाता है। चलो देखते हैं स्नोडेक्स आता है कि नहीं आता। साइथर देख के भाई अच्छा लगता है यार, साइथर का भाई टशन ही कुछ और है, मुझे पसंद है साइथर वैसे। अरे यार यहाँ पे मैंने 3 रेड कर दिया और इसमें कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं है। चलो चलते आगे, गाचोम पकड़ लिया। अच्छा एरोडैक्टाइल भी चेक कर ही लेते यार, मतलब इन सारे पोकेमोन से क्या दुश्मनी है ना। आ जाए, क्योंकि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने पहले भी कहा हुआ है, अब मैंने हमेशा ये ट्रिक्स लगाया हुआ है अपने पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए, लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए, तो वो काम आते हैं गाइस। मतलब एक सुर से किसी पोकेमोन को ना पकड़ो, थोड़ा टाइम दो उसे, कुछ देर बाद आके पकड़ो। उससे क्या होता है कि वो चांसेस हो जाते हैं ज्यादा अपियर होने के लिए। लाइक आर्टिकुनो, आर्टिकुनो को पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैंने टोटल 25 डेज लगाए थे आर्टिकुनो को पकड़ने के लिए, मेगा बनाने के लिए गाइस। और मैंने तुम्हें बताया भी था, तो गाइस तुम लोग बोल रहे थे यार इतना दिन कैसे लगाओगे, तो भाई ऐसा नहीं है कि 25 दिन ही लगेंगे। तुम चाहो तो एक दिन के अंदर 3 बार ट्राई करो, सुबह शाम रात, ये 3 बार ट्राई करो, मिल जाएंगे, मिल ही जाएंगे भाई, ये तो भाई कंफर्म है। कोई ना कोई मिल, आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, कल मैं तो परसों श्योर है, ये 2-3 दिन के अंदर मिल जाता है। अब भाई लेजेंडरी पोकेमोन है थोड़ा सा पास एनकाउंटर वाउचर, तो बहुत मजा आने वाला है आगे चल के। अभी फिलहाल तो देखते हैं कि आगे और भी कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स लाइक डियाल्गा या फिर मैगेना ये सब कुछ मिल पाएगा क्या, लेट्स सी। सुइकून पे देखते हैं, गोल्डी, ओ भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ये, मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ। यार ये कितना क्यूट है वैसे। मैंने अभी तक मून अवेकन में और सब बाकी सारे पोकेमॉन गेम्स में इसे पकड़ा होगा, लेकिन मून अवेकन में आज तक नहीं पकड़ा। गलती से मैंने इसे पकड़ा होगा वो क्विक कैच से, क्विक इनकाउंटर होता ना अपना, वो एक बार में सारे 10-10 पोकेमॉन आ जाता है उससे। वाओ यार कितना कितना क्यूट है। Hey, wait, wait, guys, इसे मैं अगर विजिबल कर लूँ तो, मतलब मेरे ज़ेपेटोस आर्टू की जगह पे गोल्डी अगर भागे इधर उधर तो मेरे साथ कितना अच्छा लगेगा। वेट 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 वेट, अभी ये मैं करता हूँ, पहले इसके पास जाता हूँ क्योंकि एक और मैं पहले रेड कर लेता हूँ, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, देखते आता है कि नहीं। हो सकता भाई आ जाए दूसरे रेड में, वैसे पहले रेड में आने का ज्यादा चांसेस रहता है, तुमने देखा ही होगा गाचोम भी पहले रेड में आ गया था। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, ज़ेपेटोस जो मेरे पीछे घूम रहा है ना, इसके जगह पे गोल्डी रखता हूँ, कितना कूल लगेगा। नहीं कहाँ गया, एक हैक्सर ऑफ अंदर रख देते हैं, नहीं ज़ेपेटोस को अंदर रख देते हैं। कहाँ गया, अभी अभी जस्ट पकड़ा मैंने। अरे एक होना चाहिए था ये गोड्रा, अच्छा 2 गोड्रा मेरे पास पहले से है, मुझे नहीं पता था। अरे यार कहाँ गया वो, इतने सारे पोकेमॉन्स में कहाँ ढूंढूं इसे मैं। ये रहा, अबे तुम क्यों आ रहे हो भाई, ये तुम आओ। अरे भाई क्या बात है,
अरे ये कितना औसम लग रहा, देखो है ना, है ना, ये कूल है। अब देखो, अब सारे पकवान हम लोग पकड़ लेंगे, जितने भी पकवान की तरफ जाएंगे। लेट्स सी, ये कहते हैं फिश लकी चार्म की तरह काम आता है, मॉल्ट्रस पकड़ते हैं। डूड मैं तुम्हें बताऊं, मॉल्ट्रस तब मैंने पकड़ा था जब मैं इस गेम में आया था, मतलब 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ पता नहीं उस वक्त मैं वीडियो भी बनाता था कि नहीं बनाता था, तब मैंने पकड़ा था मॉल्ट्रस। और भाई जो फीलिंग आई थी ना मॉल्ट्रस को पकड़ के, क्या कहूँ, एकदम आर2 वाली फीलिंग। क्योंकि यार उसका तो ऑरा निकलता रहता है ना ऐसा नॉर्मल फॉर्म में भी, मेगा की बात ही छोड़ दो यार, मॉल्ट्रस भी नहीं आया। ज़ेपेटोस, ज़ेपेटोस तो भाई मत पूछो, 17 दिन लगे थे मुझे पकड़ने में ज़ेपेटोस 5। वो अच्छा आर्टिकुना का मैंने ये नहीं बताया ना कि 25 दिन लगे थे मुझे 5 पकड़ने में। हाँ, गाइस 5 लगे थे आर्टिकुनो पकड़ने में, 25 दिन, और 17 दिन लगे थे ज़ेपेटोस पकड़ने में, पूरे 5 है। कि तुम अगर पोकेमोन गेम को रीसेट करोगे ना, उसके बाद रेड करोगे ना, तो ज्यादा चांसेस है कि वो अपियर हो जाए। लाइक शाइनी के लिए हम लोग अक्सर करते हैं लेजेंड आर्केस वगैरह, और कई सारे पोकेमोन गेम में ऐसा होता है। तो ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पोकेमोन की तरफ। कहा गया ज़ेपेडस तो नहीं पकड़ाया, अब चलो देखते हैं सलामेंस पकड़ाता है कि नहीं। एक बार गेम रिसेट कराया हमने, तुम अगर चाहो ना किसी भी पोकेमोन को पकड़ना है तो एक और ये बेस्ट ट्रिक है ये एकदम, मुझे लगता है ना। अब क्योंकि देखो सारे पोकेमोन गेम्स में मैंने खेला हुआ है, वहां ट्राई भी करा शाइनी पोकेमोन पकड़ने के लिए, तो भाई ये ट्रिक बहुत काम आता है कि तुम पोकेमोन गेम को रिसेट करो और पकड़ने एक रेड मार लो, फिर रिसेट करो फिर रेड मार लो। इस तरीके से ना भाई तुम चाहो तो पकड़ सकते हो। यार मेरे बहुत सारे स्ट्रेस खत्म हो रहे आज, दो मुझे लगा नहीं था कभी ये यहाँ पे खत्म होने वाले। मेरे ख्याल से मेरे पास बहुत सारे SP होंगे, वेट मैं जाके ले आता हूँ सीक्रेट बेस से। यार इस वाले अकाउंट में है कि किस वाले अकाउंट में है, मुझे ये भी याद नहीं। मैं केक्स लिप्सी कितने हैं? ओ भाई बहुत है बहुत है, बनाता रहूंगा इसे। अभी तो इतने कितने हो जाएंगे, 350 आई थिंक हो जाने चाहिए। 350 एनफ है भाई सारे पोकेमोन्स के रीड करने के लिए। अबे मेक मेक कर दिया कि ईट कर लिया यार। ये रहा ईट केक, ये रहा 5, खा ले भाई खा ले खा ले भाई खा ले खा ले भाई खा ले। गेस्ट का भी खा ही लेता हूँ, जरूरत नहीं भाई गेस्ट वेस्ट खाने का मेरे सिगरेट बेस में। सिगरेट बेस है ना, जरूरत नहीं है भाई, पब्लिक बेस थोड़ी है। चलो अब मेरे पास ईटिंग टाइम और मेकिंग टाइम सब खत्म, सॉरी लिमिट सब सब रीच हो गया हुआ। मेरे पास कितने बच गए हैं, 325, कोई बात नहीं, बहुत हो गया भाई 325, बहुत ज्यादा होता है। ऑल राइट अब कहाँ चले, सालामेंस पकड़ा क्या मैंने, सालामेंस नहीं पकड़ा क्या, नहीं पकड़ाया था, हाँ याद आया, लैटियस पे चलते हैं। यार ये गोल्डी पीछे बहुत क्यूट लग रहा था सच में। ये देखो कितना क्यूट लग रहा गोल्डी, चलो ठीक है पकड़ते हैं। लैटियस आजा भाई, कभी मैंने लैटियस मतलब ऐसे रैंडमली नहीं पकड़ा, मतलब चाह कर गलती से आ जाता है गाइस, और तब मैं रिकॉर्ड भी नहीं करता रहता हूँ। नहीं आ रहा, और एक बार कर लेते रेड, आजा ब्रो, नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ, चलो चलते दूसरी जगह पे। लैटियोस, हाँ यहाँ पे चलते, पता नहीं यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड करूंगा मैं, चार चार रेड करके ना बस यहाँ पे मैं अपना SP बर्बाद कर रहा हूँ, आई मीन स्ट्रेस बर्बाद कर रहा हूँ। एक ही रेड करूंगा उसमें ही आना होगा तो आ जाएगा। नहीं आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा तुम लोग, यार एक गाचम आने के बाद कोई पोकेमोन ही नहीं आ रहा। लेट्स सी दूसरे पोकेमोन, राइको ट्राई मारते हैं। वैसे राइको भी अच्छा खासा भाई टाइम लगाता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है राइको के पास जाने में, राइको जहाँ पर रहता है जिस ग्रास में रहता है वहां पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है जाने में। देखो यहाँ से दौड़ता रहेगा ये, चलो फाइनली पहुंच गए, बहुत कोना में रहता है यार राइको। इलेक्ट्रिक टाइप डॉग एंड नहीं यार चिकोरिटा कितना सारा आ गया, बाप रे बाप। यार बताओ 5 स्टार सारे यहाँ पे पोकेमोन से, काश मैं इन सारे पोकेमोन से पकड़ता तो 5 स्टार में ही मिलते,
कितने इजी हो जाता है स्टार्टअप करना, बहुत मुश्किल है स्टार्टअप करना। वैसे म्यूट तो है नहीं, तो डीएल के पास चलते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे मैगियाना पे एक रोटेशन कंप्लीट होने वाला है गाइस। अब देखते हैं कौन से पोकेमोन पकड़ाता है यार, काश डीएलगा पकड़ा जाए, मजा ही आ जाएगा, मजाक नहीं। डीएलगा पे बैठ के डीएलगा पकड़ने आया हूँ, कभी नहीं पकड़ा मेरा, अपनी किस्मत ही फूट गई भाई। अरे यार क्लोज हो ना। हाँ मैं गिर ना, चलो भाई बाकी सारे पोकेमोन भाई, भाई मैं गिर ना पकड़ा जाए बस। होप सो पकड़ा जाए, होप सो एंड ये रहा। अच्छा भाई अच्छा, अरे यार ठीक है, लास्ट वाला जितना भी रेड है मार लेता हूँ यार, मुझे रोटेशन करने की दिल नहीं, दिल नहीं कर रहा, मजाक नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट डे कर लूंगा यार। हाँ यार नेक्स्ट डे कर लूंगा, मतलब लाइव स्ट्रीम पे कर लूंगा। उस वक्त क्या होता है कि मतलब दूसरा दिन हो जाएगा, मतलब रात का टाइम आएगा तो अलग टाइमिंग रहेगा, तो मैं पकड़ सकता हूँ किसी भी पोकेमोन को, लाइक अच्छा लगता है उस वक्त। अबे यार मेरे लेवल 1 का हेक्सोरस की इतना ही पावर है। जैसे स्क्रैच मार के देखता हूँ। ए यार ठीक है, मुझे फाइट नहीं करनी, मैं निकलो यार। चलो ठीक है। वैसे यार ये 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 रीजन बहुत ऑसम लगता है मुझे, देख लो पूरा स्पेस में है हम लोग, और स्टार्स हमारे नीचे, हम लोग स्टार्स से भी नीचे ऊपर है, मिंट से ये ऑसम है। मिल्की वे जस्ट नीचे ये है। अबे दिखा यार, ये रहा, ये देखो गाइस, यार ये गेम वालों ने क्या सोच के बनाया होगा, ऑसम है वैसे। तो होप यू गाइस तुम लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी, मिलते इस तरह का इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो पे, शुक्रिया, थैंक यू।